जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है कुछ डिफरेंस बताने आप लोग, आथर, एडमन और रीसेलर। ये है तीन चीजें। पहला है एडमन, एमन भाई एडमन के मोटे की एक तस्वीर लगा देगा, ये एडमन है, ये तो पैसे वाला है जी। तो अब हम बात करते हैं आथर की, या ना हम पंजाबी यूज कर लेते हैं, यानी कि यार एक बंदे को एक किला है, वो पूरे का पूरा जो है ना एक एकड़ एडमन का ओनर का। अब आथर वो कहां होगा, जैसे कि मिसाल ले ले एक स्क्वायर है, एक एकड़ है, उसको चार हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। अब एक डब्बा, एक वो ना जो एक एक पूरे किले चो, यानी कि एक जेड़ा ना जो है आधा थोड़ा सा उसका हिस्सा वो आ जाएगा आथर के पास, बस उसका ना वहां तक होगा। जैसे मिसाल ले लो अपने को एक किला है, आप ठेके से दे दिता उन्होंने जनाब आधे किले, तो वो जो आधा एकड़ है ना वो उस बंदे का, वो अपनी जमीन में अपनी वहां पर काश्त कर सकता है, वो अपने वाले अदवाड़े में अपने वाले जमीन च कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने को इतनी असेस ले ली, हमारे साथ उसने डील की हुई है, पैसे दिए हुए, एक साल का मुआदा हुआ। नॉर्मली ऐसे ही होता है। अब एक स्केयर लगा दिया अहमद ने, यहां पर एक डिब्बा आ गया, चार डिब्बे हैं एक स्केयर में, तो एक डिब्बे जो है ना वो एक आथर है। आथर के पास ना एक स्पेसिफिक एरिया है कि वो बस उसी एरिया के अंदर रहता हुआ जितने आर्टिकल उसकी हदूद में आते हैं सिर्फ उनको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। दूसरे जो खाली डिब्बे नजर आ रहे हैं उनमें आथर की पहुंच नहीं होगी, यानी कि जो मालिक है वो तो उसकी तो हर जगह ही पहुंच होगी, वो तो कुछ भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन आथर के पास एक लिमिट एरिया होगा, उसके अंदर ही रह के वो पोस्ट कर मतलब करेगा या डिलीट करेगा। अब यहां पे एक और पॉइंट आता है, आथर हो या एडमन हो पोस्ट सेम ही होती है, समझ रहे हैं? अगर हमारा क्लाइंट है उसको लाइव लिंक से गर्ज है, उसको अपने आर्टिकल के इंडेक्स होने पे लाइव होने से गर्ज है, पोस्ट पब्लिश होने से गर्ज है, वो आथर करे एडमन करे एडिटर करे जो मर्जी करे, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल सेम, लेकिन जो आथर है उसकी प्राइस कम होगी, वो बेचारे ने एडमन को $100 एक मंथ का पे किया होगा, वो कहता होगा भाई एक में एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं जो है $100 पूरा कर लूं, आगे वाले जो 23 डेज है 23 दिन जितने भी उसने आर्टिकल पोस्ट करने हैं वो उसका प्रॉफिट होगा। थर्ड जो है ना पार्टी है वो है रीसेलर। रीसेलर जैसे होते हैं मेरे जैसे, समझ लो वो क्या करते हैं, वेबसाइट्स की जो है ना लिस्ट ले लेते हैं सारे एडमनों से, पूछते हैं भाई कितनी साइट है, वो कहें मेरे पास 10 है, वो कहेगा ठीक है ये ले लो, वो कहेगा रीसेलर रेट दे दो मुझे। एडमन क्या करेगा, हर वेबसाइट की प्राइस $15 कर देगा, कहेगा यार आप आर्टिकल के ऑर्डर ले आओ 15-15 में पोस्ट कर देंगे। अब रीसेलर पे डिपेंड करता है, वो क्लाइंट को दिखाता है एक साइट का $50 ले ले, एक साइट का $1500 ले ले, एक साइट का $150 ले ले, जितने मर्जी डॉलर ले ले, उसके साथ एडमन ने फिक्स की हुई है भाई रीसेलर रेट है, जो आर्टिकल दोगे 15 का, जो आर्टिकल दोगे 15 का। अब ऐसे ही रीसेलर के पास 20-25-40 एडमन होंगे जिनके साथ उसने बात बनाई होगी। आगे रीसेलर क्या करते हैं, रीसेलर आगे रीसेलर रख लेते हैं, और आगे बंदे रख लेते हैं, फिर मैं हूं रीसेलर, आगे मैंने और बंदे रख लिए, मैंने कहा आपको मैं देता हूं $20, ये सारी वेबसाइट की प्राइस कितनी है $20, चलो अभी ऑर्डर लेके आओ, मार्केट में जाओ क्लाइंट ढूंढो ऑर्डर पकड़ो, बी आर्टिकल मुझे दो $20 भी दो, मेरी आगे फिक्स हुई है एडमन के साथ कितने में, कितने में 15 में। वो बेचारे रीसेलर लेके आए, रीसेलर भले $80 पीछे से कमा रहे हैं नो प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे 20 दिए, मैंने 5 अपनी पॉकेट में डाले और जो 15 थे वो मैंने उसको दे दिए। इस तरह रीसेलर भी आगे रीसेलर हायर कर लेते हैं, पैसे नहीं देते, कोई तनख्वाह नहीं देते, बस लिस्टें दे देते, कहते भी ऑर्डर लेके आओ हम ऑर्डर कंप्लीट करवा दें। उनको भी पता होता है कि रीसेलर की जो है ना एडमन के साथ डील डन हुई है, वो बेचारे रीसेलर भी डायरेक्ट कर सकते हैं एडमन के साथ, लेकिन एडमन के साथ या तो उनका ट्रस्ट नहीं होता, या वो अगर कहते हैं ना कि हम भी रीसेलर हैं हमें भी दे दो, तो वो एडमन क्या करता है उनको भी डायरेक्ट कहता है कि $15 पे आप भी ले, तो वो बाजुकात बात ऐसे भी बन जाती। तो इसके भी डिफरेंट वेज है, जहां मर्जी काम कर लो हर चीज में फायदा है, लेकिन आथर पोस्ट जो होती है ना वो कदरे बहुत सस्ती पड़ जाती है एडमन की। एडमन हाई चार्ज करते हैं और आथर जो है ना वो अपना बजट पूरा करने के लिए, अपने पैसे पूरे करने के लिए वो प्राइस $15, $10, $12, $18, $20 पर भी आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको एडमन, आथर और रीसेलर में भी फर्क पता चल गया होगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि अहमद भाई इसमें ना सारे
जो है ना अंग्रेज बुड्ढे बाबे ये सारा कुछ लगा देगा, ताकि आपको जो है ना तस्वीरों से चीजें ज्यादा समझ आए। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो भी आपके लिए जो है ना कुछ फायदेमंद होगी। कई लोगों को तो पता है, जिन लोगों मेरे जैसों को नहीं पता है उनको जो दोबारा पता चल गया। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात और, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए जो है ना, साथ साथ आप सीखते भी रहते हैं, मेरे हक में भी दुआ किया करें, अल्लाह सानिया फरमाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, सारी चीजें जो है ना बहुत अच्छी चल रही हैं, एकेडमी भी, क्लासेस भी, मेरी अपनी फ्रीलांसिंग के काम भी, यूट्यूब चैनल भी। आप भी जो है ना इंशाल्लाह काम कीजिए, मेरी कोशिश है आप सब लोग पैसे कमाइए, हम आप लोगों का इंटरव्यू करें और मैं आप लोगों से मिलूं। मुझे सच्ची दिली बड़ी खुशी है, हर जगह से दुआएं आ रही हैं, सब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। सबको खुश किया भी नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरे एरिया में लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन दुआ यही है सबसे कि आप काइंडली जो है ना मेरे हक में भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी कीजिए और राज्य के मेहनत कीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह आसानियां फरमाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।